दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर का परिमेयकरण करना। अगर आपको हर का परिमेयकरण करना नहीं आता या आपको हर का परिमेयकरण करने में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं हर क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं कोई भी राशि हो जो भिन्न के रूप में लिखी है, जो बटे के रूप में लिखी होती है उसे हम भिन्न बोलते हैं, और ऊपर जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं, और इस पूरी राशि को क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है जो बटे में लिखी जाती है। तो हमें इस हर का परिमेयकरण करना सीखना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है दोस्तों 1/√7। अब हर का परिमेयकरण का मतलब होता है दोस्तों जो संख्या हर की जगह लिखी है, जो संख्या बटे में लिखी है उसका ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी गुणा करना। तो देखो 1/7 में हम क्या कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। हर का परिमेयकरण देखो क्या करेंगे, 1/√7, √7 का ऊपर भी गुणा हो जाएगा, √7 का नीचे भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, √7 का 1 में गुणा होगा दोस्तों √7 आ जाएगा, बटे √7 का √7 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम हर का परिमेयकरण करते हैं। अब दोस्तों एक और अगला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, अलग तरीके का है दोस्तों, इसको भी आप जरूर से सीखना क्योंकि इसमें जो गुणा करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए ये सवाल बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 1/√7-2। हमारे पास है 1/√7-2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण करना है हमें। हर का परिमेयकरण देखो इसमें दोस्तों जो हर का परिमेयकरण होगा वो अलग तरीके से होगा, करना वही है, इसका ऊपर नीचे गुणा करना है हमें। लेकिन क्या होगा दोस्तों जब हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे √7-2, तो यहाँ पर ध्यान देना, अभी पहले सिंगल राशि थी, अब यहाँ पर दो राशियां आ गई हैं, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि बीच में माइनस हो या प्लस हो तो उसका चिन्ह बदल के हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस करके हम ऊपर गुणा कर देंगे √7+2, और नीचे भी क्या करेंगे, प्लस करके √7+2 का गुणा कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर नीचे माइनस का चिन्ह है तो ऊपर प्लस करके दोनों तरफ नीचे ऊपर गुणा करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर माइनस भी हो जाता, यहाँ पर भी माइनस हो जाता और यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस कर देते। तो देखो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √7+2, क्योंकि एक में गुणा हो रहा है। अब इसका गुणा करने के लिए आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो ये हो जाएगा दोस्तों आपका a-b, a हो जाएगा a+b। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a-b और a+b, इसके बराबर होता है दोस्तों a² - b² ठीक है। तो यहाँ देखिए √7 a हो गया और सिर्फ जो 2 है वो b हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² a की वर्ग की जगह क्या लिखा जाएगा दोस्तों √7² b की जगह क्या है 2 है तो -2 का वर्ग। अब देखिए ये कितना हो जाएगा √7+2 बटे, यहाँ पर देखिए √7 का जब हम वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 7, माइनस 2 का वर्ग आप जानते हैं 4 होता है, तो यहाँ आ जाएगा √7+2/7 में से 4 चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको हर का परिमेयकरण करना आ गया होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से हर का परिमेयकरण करना सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।